हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं बन लाई हूँ, पाव लाई हूँ, जिसे आप घर में बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। अभी मार्केट में कोई दुकानें नहीं खुली है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी का मन करता है, 10-15 दिन हो गए हैं कि हमें कुछ अपना टेस्ट चेंज करना चाहिए। तो भाई, आपको ब्रेड कहाँ से मिले? तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को देखें, एंड तक देखें, तभी आप बहुत ही परफेक्ट वे में ये पाव ब्रेड बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप चले मेरे वीडियो में, और एक एक चीज़ बहुत ही माइन्यूटली से सुने, तब आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को, और बिल्कुल ही आपको उसी टेक्सचर का, मार्केट टेक्सचर का इजी मेथड में आप पाव बना सकते हैं। ना ही किसी ओवन की ज़रूरत है, इसे मैं कुकर में बताऊंगी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप बनाओगे और मेरी वीडियो को देखेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं झट से बिल्कुल क्विक एक मिनट में बना लूँ। इसमें हम ना तो कोई ईस्ट यूज़ किया है, हम इसे एक बहुत ही ट्रिकी वे से बताऊंगी जो आप सब बहुत इजी वे में बना सकते हैं। तो चलते हैं किचन में और हम ये पाव बनाते हैं। बट एक लाइक तो ज़रूर दे देना आप, जब आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो। तो चलिए बनाते हैं झटपट ये पाव। एक बर्तन ले लें, बड़ा सा गहरा सा आटा गूंथते हैं जिसमें, और उस पर आप छन्नी रख लें। और ये आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब मैदा लिया है, वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसे छान लेते हैं जिससे कोई भी लम्स इसके अंदर हो तो वो निकल जाए। हमने यहाँ 2 कप के करीब मैदा लिया है और इसे अच्छी तरह से छान लिया है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून के करीब सॉल्ट और 1 स्पून के करीब, जस्ट उसका डबल, ये शुगर है, चीनी, पिसी हुई चीनी है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और साथ में यहाँ पर हम इनो पाउडर लेंगे, तो ये करीब हम 1.5 चम्मच के करीब लेंगे। 1 चम्मच ये लिया है और इसका जस्ट ही 1/2 चम्मच ये ले लेते हैं। तो 1.5 चम्मच से ज़्यादा आप मत यूज़ कीजिएगा। और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मिक्स करने के साथ ही आप यहाँ पर, ये हमने खट्टी दही ली है तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब खट्टी दही को यूज़ करेंगे और इसे भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो बन बना रहे हैं, ये हम इनो का बना रहे हैं, तो इसमें ईस्ट नहीं डाला है, तो ये जल्दी बन जाता है, इसको फर्मेंटेशन करने के लिए हमें रखना नहीं है। और साथ में यहाँ पर हम पानी डालते हुए इसे गूंद लेते हैं। अब आप देखेंगे ये आटा बिल्कुल अच्छी तरह से, इसे हमने गूंद दिया है इस तरह। अब इसको हम इस तरह ऐसे करते हुए कम से कम 10 मिनट के लिए इसे गूंदेंगे। साथ में गूंदने से पहले इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और इसके अंदर इसको डालते हुए और इसके साथ इसको बहुत ही अच्छी तरह से कम 10 मिनट के लिए गूंदते हैं। तो 10 मिनट गूंदने के बाद मैं वापस आती हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये आटा बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद गया है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल डाला, तो डालते ही सारे कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। तो यहाँ पर इसको साइड रखते हुए एक हम टिन ले लेंगे और टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं, चारों तरफ से इसको, टिन को अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर ही इसे बन को बनाऊंगी। तो चारों तरफ से इसे ग्रीस कर लें और साइड में रखते हुए अब ये जो आटे का बनाया था इसकी लोई ले लेते हैं और इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने इसे 5 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह आप इस तरह गोल गोल, जैसे हम लोग कोई स्टफिंग भरने के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाना है।
और इसको उठाते हुए आपको साइड में रखते जाना है। तो सारे इसी तरह प्रोसीजर होता है, करते जाएं और इसको इस तरह थोड़ा सा गैप बना ले, क्योंकि ये जब बेक होगा तो इसको थोड़ा सा चाहिए जगह फूलने के लिए। तो हमारे यहाँ पर ये 5 बन बनकर तैयार होंगे और एक बीच में रख देते हैं सबसे लास्ट वाला। इस तरह देखिए, इस तरह करते हुए और इसको बीच में रख देते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरह। अब इसे हम साइड में अभी रख देते हैं और कुकर की तरफ चलते हैं, उसमें इसे हमें बेक करना। कुकर को हमने प्री हीट करने के लिए 10 मिनट रख दिया था, तो आपको मैं बता देती हूँ फटाफट जल्दी जल्दी। तो इसके अंदर का रिंग हमने हटा दिया है और ये सीटी भी हटा दी है, और 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के बाद इसके अंदर आपने देखेंगे कि नमक ऑलरेडी है, जो मैं बेकिंग के काम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर केक सब कुछ इसी में ही बनाती हूँ। तो मैं एक रिंग ले ली हूँ, रिंग के अंदर रख देती हूँ, और ये जो हमने इसे बनाया था इसके ऊपर थोड़ा सा आप दूध को, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीसिंग हम दूध की कर देते हैं, जिससे कि ये बेक होगा तो बहुत ही इजीली और शाइनिंग भी होगा, इसका कलर भी इसमें चेंज होगा। तो इस तरह आप इसकी ग्रीसिंग कर ले, और इसके करने के बाद इसको हम इसके अंदर रख देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, और स्लो में, बिल्कुल स्लो में ही इसे हम कम से कम 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और 30 मिनट्स के बाद वापस आपसे हम मिलते हैं। हाफ एन आवर हो गए हैं, लेट को हटाकर देख लेते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा कलर आया है, आपको भी दिख रहा होगा। तो अब मैं इसे पाव को बाहर निकालती हूँ, फिर इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। पाव को बिल्कुल बाहर निकाल लिया है, और इसी स्टेज पर थोड़ा सा हम यहाँ पर ग्रीसिंग कर देते हैं। आप चाहे तो बटर से कर दें, ऑयल से कर दें, जिससे कि ऊपर की शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह ग्रीसिंग करते हुए और इसे बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। वैसे तो ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। बन बिल्कुल रेडी हो गया है, अब आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, या बटर आप लगा दें, जिससे इसमें शाइनिंग आ जाती है। और इसे मैं बिल्कुल ठंडा हो गया है तो इसे निकाल कर दिखाती हूँ। तो इस तरह साइड से थोड़ा एजेस को दबा लें, जिससे कि ये इजीली निकल जाए। अब आप देखेंगे पीछे से भी इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही परफेक्ट कलर है। अब आपको मैं इसको दबा कर दिखा देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है ना सॉफ्ट। मन कर रहा है ना आपको भी कि मैं भी आज बना लूँ इसको बिल्कुल। अब आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसमें इसको अगर तोड़ूंगी भी तो बिल्कुल इसके अंदर का टेक्सचर जो हम मार्केट से लेते हैं बिल्कुल वही होता है। तो मैं इसको प्रेस करके बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है। तो होप आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप ये जो बन है इसको मैं एक दिखा देती हूँ, आप देखो अंदर से इसका टेक्सचर देखो आप, है ना बिल्कुल मार्केट की तरह। तो आप बर्गर बनाएं या पाव भाजी खाएं, कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो चलिए और हम इस रेसिपी को आप भी बनाएं, वापस बनाएं, और मज़ेदार होगा बनाना जब आप इसको बनाओगे पहली बार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और नई रेसिपी आप व्यूअर्स के लिए बनाने के लिए। और पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।